सो लाइक हमें हाँ कैसे पता चलता कि हमारा माइंडसेट लाइक बना है कि नहीं, माइंडसेट बना है मतलब किस कंटेक्स्ट में? लाइक अभी हम प्रिपरेशन के लिए अगर किधर जाने वाले हैं तो फिर माइंडसेट हमारा बना है ये हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट से, और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट आपका क्या हो सकता है? आपने किसी पॉडकास्ट को फॉलो किया, आपने किसी वीडियो को फॉलो किया, किसी लेक्चर को फॉलो किया, किसी की टीचिंग्स को फॉलो किया, वो टीचिंग्स आपको हिट कर रही है, आपके कंसाइंस को हिट कर रही है, आपके दिमाग को एकदम खोल रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई हाँ यार ये चीज बहुत बढ़िया है। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपको अपने अंदर वो चेंजेस जब दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि भाई हमारा माइंडसेट जो है वो बन रहा है। जैसे कि हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमने रनिंग स्टार्ट की, पहले दिन आपने रनिंग स्टार्ट की, 1-2 किलोमीटर ही आपने दौड़ा, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो रनिंग धीरे धीरे करके एनहेंस होती जाती है ना, धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ता चला जाता है, 30 मिनट से हम 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई हमारा स्टेमिना बढ़ रहा है ना, हमारा स्टेमिना बढ़ रहा है, हमारी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है हमारा। तो जब हमें यहाँ से पता चलता है, सिमिलरली जब आप लर्निंग वाले फेज में रहते हो, जब इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके अंदर बेटर चेंजेस देखने स्टार्ट होते हैं। ये बेटर चेंजेस ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि आपका जो माइंड सेट है वो बन रहा है, आपकी जो ग्रोथ है वो हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोगों से डील करने का तरीका बढ़ जाता है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो होती हैं वो हमारे दिल और दिमाग में छा जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं। हम अपनी ग्रूमिंग अच्छी से कर देते हैं, पहले हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक रहा करते थे, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, है ना, हम हर चीज को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के नजरिए से देख रहे हैं, हम एक एविडेंस माइंडसेट अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, यानी कि हमारे सामने जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए काफी है। पहले हम हर चीज को लेकर रोना रोते थे, हम एक स्कार्सिटी जो माइंडसेट है उसको लेकर चलते थे कि भाई हर चीज की कमी है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, ढिकाना भी नहीं है, लेकिन अब हमारा कॉन्फिडेंस इस तरीके से बढ़ चुका है कि भाई अब हमने एविडेंस जो माइंडसेट है उसको अपना लिया है कि जो भी है जैसा भी है वो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मिला है और मैं इसी में अपना बेस्ट दूंगा, है ना। तो ये माइंडसेट आपका इन चीजों को फॉलो करते हुए आता है कि जो भी अच्छी चीजें आप जहां से भी आपको मिलती हैं आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हो, तो जब फॉलो करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि भाई आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, एंड देन आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, सब कुछ ग्रो करेगा।